92.7 Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. वो अपने गांव के बीमार लोगों को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर 50 किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल लेकर जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उसकी बीमार माँ को एक एम्बुलेंस की जरूरत थी तो वो उन्हें नहीं मिल पाई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही जलपाईगुड़ी के राजदंगा गांव में रहने वाले करीमुल हक ने बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और इस नेक काम के लिए इस साल उन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है और आज करीमुल हक बने हैं मेरे बिग हीरो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद और मेरे बिग हीरो करीमुल हक मेरे साथ फोन लाइन पर है। करीमुल जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको पद्मश्री के लिए। नहीं, मेरा अपना काम पद्मश्री मेरा नहीं है, मेरे देश के लिए है, मेरे गांव के लिए है। क्या बात है करीमुल जी, मैं चाहूंगी कि आप हम सबके साथ शेयर करें कि कब और कैसे आपके मन में ये बात आई कि आपको अपनी मोटरसाइकिल पर बीमारों के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करनी है। मैडम देखिए, मैं तो एक टिकट में काम करता हूँ, मैं जलपाईगुड़ी माल बाजार का रहने वाला हूँ। तो ये देखिए, मेरे जो माता जी था, माता जी बिना इलाज से वो ध्यान हो गया। मेरे मन में बहुत दुख है माँ, मेरे माँ रात 2 बजे का हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं, गाड़ी नहीं था। और गाड़ी अगर किसी का हो, पब्लिक का हो, तो अगर मैं कुछ भाड़ा लेके, अगर टका लेके अगर मैं उसका लेंगा तो उसके पैसा भी नहीं था मेरे पॉकेट में। माता जी को एक टैबलेट भी उसको देने नहीं सीखा मैं, उसको हॉस्पिटल में पुकन नहीं सीखा मैं, गरीबी नहीं था, इतना गरीब आवे हूँ मैं, गरीबे हूँ। लेकिन ये मन में बहुत मेरे दुख है कि मेरे माता जी को, मैं एक लड़का हो के मैं माता जी को एक टैबलेट भी खिलाने नहीं सीखा, मैं कैसा इंसान हूँ, कैसा लड़का हूँ माँ का। इसीलिए उस गाँव का कोई आदमी बिना इलाज का नाम मरे तुरंत पहुँचा जाए हॉस्पिटल पे कैसे, ये मैं इसलिए बाइक को मैं एम्बुलेंस बना के गांव-गांव लेके मैं चलता हूँ हॉस्पिटल में। अपनी माँ को एम्बुलेंस नहीं मिली, इसकी शिकायत नहीं की, इसका रोना नहीं रोया, दूसरों को एम्बुलेंस देने का फैसला कर लिया करीमुल हक ने, जिन्हें इस साल पद्मश्री के लिए चुना गया है। अब तक कितने लोगों की वो मदद कर चुके हैं, कितने लोगों की जान बचा चुके हैं, पूछूंगी इन सब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर Big Heroes. Big Heroes. 92.7 Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं Big Heroes. मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध और आज के मेरे Big Hero का नाम है करीमुल हक, जिन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने गांव से बीमार लोगों को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं पास के अस्पताल तक, ताकि सबका इलाज वक्त रहते हो सके, जो उनकी माँ का नहीं हो पाया था। करीमुल जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। करीमुल जी, एक बात बताइए, आपका गांव जो है वो शहर से कितनी दूर है? मेरे गांव शहर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर होता है। यहाँ तो एक जंगल होता है, फॉरेस्ट आसपास में है, हम लोग का यहाँ शेर होता है, हाथी निकलता है, बैसन गोंडार भी निकलता है, और पूरा टी गार्डन भी है, तरह तरह की चीज भी है जी। तो कितने सालों से आप ये काम करते आ रहे हैं और अब तक कितने लोगों को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा चुके हैं आप? मैडम देखिए, मैं तो ये काम करता हूँ 13-14 साल हो जाते हैं। मेरे माँ तो 95 में गुजर गया है, उनके बाद बहुत कोशिश किया कुछ आदमी को मदद करने के लिए। मैं पहले साइकिल से बाइक साइकिल में ले गया है, मोटरसाइकिल में एम्बुलेंस बना हुआ। पहले तो मैं जो पैर से चलाता है साइकिल, उस साइकिल से मैं आदमी मरीजों को ले जाता हूँ। तो मैं अभी तक देखिए कम से कम एकदम काम होता तो 3,500 के ऊपर ले गया मैं। 3,500 लोग? हाँ, उससे ज्यादा हो सकता है। काम चलते है, मेरे चलता रहता है। मैं आगे अगर इसलिए काम करता था, अभी मेरा 2 लड़का है, वो मेरा उम्र जो चलता है 50 साल जैसे उम्र चलता है, अभी मेरा 2 लड़का है, वो भी रात बेरात लेके चलते हैं गाँव का हॉस्पिटल पर लेके जाते हैं। इतने सालों से हजारों लोगों की जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं करीमुल हक और अब उनके बेटे भी, इनके अपने घर का खर्च कैसे चलता है, क्योंकि ये तो एक चाय बागान में काम करते हैं, पूछूंगी इनसे। अब से बस कुछ देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध और मेरे बिग हीरो हैं करीमुल हक। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं अक्सर ही सोचती हूँ कि हम लोग अपने रोजमर्रा के खर्चों में, अपनी नौकरियों में, अपनी EMIs, लोन्स में उलझे रहते हैं, और जो लोग समाज सेवा करते हैं उनके अपने घरों के खर्चे कैसे चलते हैं।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरोध और मेरे बिग हीरो हैं करीमुल हक, जलपाईगुड़ी में रहते हैं और अपने गांव के बीमार लोगों को अपनी मोटरसाइकिल पर शहर जो कि 50 किलोमीटर दूर है वहां तक ले जाने का काम करते हैं। पिछले बहुत साल से ये काम करते आ रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ। करीमुल जी एक बात बताइए, इतना आप सब काम कर रहे हैं, खर्चा होता होगा इसमें, आपका अपना घर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? देखिए मैडम, मैं अभी 5,000 रुपए तनख्वाह मिलता है मेरे को, फिर माँ रहने से माँ को साड़ी देने होता रहा, कपड़ा देने होता रहा, खिलाने पड़ता रहा। मैं एक लड़का हूँ, माँ एक तो मेरे माँ है, माँ का मैं जब बुक उसको सीना में जब बैठा हूँ तो उस जन्नत में बैठा हूँ, तो माँ तो नहीं है, माँ मेरे एक इंडस्ट्री का है, माँ हमको जन्म दिया, माँ का गोद है इंडस्ट्री। अगर वो माँ अगर नहीं है, चला गया, उसका खाना पीना जितना पैसा था वो 1,000 रुपया बचा के मैं तेल भरा के गांव का आदमी को मैं लेके जाता हूँ, और वो काम में जो काम करता हूँ मेरे मालिक भी उस काम में छुटा देता है। देखो तुम सेवा काम करते बहुत अच्छा लगता है, जहाँ हुआ मेरा हुआ 800-1,000 लोग काम करते हैं, इसमें चला जाएगा, तुम सेवा करते रहो बहुत अच्छा लगता है, मालिक भी खुश है, मैं भी खुश हूँ और गांव का भी काम चलता है। देखिए मैडम, हम लोग इतना गरीब है, मैंने क्या बोलूँ मैं मैडम, लकड़ी का घर है, एक फट्टा में मेरा बहू और बेटा सोता है, एक फट्टा में मियां बीवी सोता है, हम लोग हाथी से तो घर में नहीं जाता है। नहीं करीमुल जी, गरीब आप नहीं है, आप बहुत अमीर हैं, आप दिल से अमीर हैं, और इतने लोगों की जो आप जान बचाने का काम कर रहे हैं वो तो बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाते। और मैं चाहूंगी कि यहाँ मैं अपने लिसनर्स को आपका फोन नंबर दूं, अगर कोई भी आपकी मदद के लिए आगे आना चाहता है तो करीमुल हक जी का नंबर है 9832571833 9832571833। और करीमुल जी से बात करते करते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आजकल बड़े बड़े शहरों में पॉलिटिकल बहस में सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम की बहुत बातें होती हैं, इनके गांव में ऐसी कोई बात होती है क्या? सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरोध, मेरे बिग हीरो हैं करीमुल हक। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरोध और आज मेरे बिग हीरो हैं जलपाईगुड़ी के करीमुल हक, जिन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है क्योंकि वो पिछले कई सालों से अपनी मोटरसाइकिल को ही एम्बुलेंस बनाकर अपने गांव के बीमार लोगों को शहर के अस्पताल तक ले जाने का काम करते आ रहे हैं। करीम भाई, एक सवाल आपसे बात करते करते मन में आया है, आजकल टीवी पर सोशल मीडिया पर बहुत बातें होती हैं धर्म की, मजहब की, हिंदू मुसलमान की, आपके गांव में अपना काम करते वक्त आपको कभी ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं आई कि धर्म और मजहब के नाम पर कभी आपके गांव में भेदभाव हुआ हो? ये मैडम आप क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान मेरे जो घर है ना 100 फुट में मेरे हिंदू है, 100 फुट दुरिया में हिंदू का घर है, यहाँ ये लोग 8-9 घर है, मेरे जो अपना लड़की को जो शादी दिया है उनके ये जो भात पकाने वाला घर हिंदू का है, पकड़ी और पकड़ी सुने वाला घर हिंदू का है, ठीक है, ये हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। आप लोग का वहाँ सुनता है कहा टीवी में, कहा रेडियो में, अखबार में सुनता हूँ, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा कोई नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। हम लोग एक जगह जब शादी होता है तो हम लोग तो एक जगह में खाता है, कोई कोई जो जैसा जो कोई किसी जो हिंदू हो मुसलमान हो, खाना पीना घूमना फिरना एक साथ में, हम लोग का कोई मालूम नहीं, पूजा होता है तो हमको, मैं पूजा का फीका करता हूँ, फीका मैं पूजा का फीका करता हूँ, एक मुसलमान हो के मंदिर को उद्घाटन करता हूँ मैं, हमको पूजा करता है, इसीलिए कहते हैं हिंदू शास्त्र में यह कहते हैं मेरे जो यहाँ पुजारी है, बाबा पुजारी है, हमको पूजा करता है, हमको महीना महीना धोती देता है, वो धोती गरीबों को देता है, फल उल मेरा नाती को देता है, वो हमको बता दिया है, विद्यंग सर्वत्र गुच्छोते माता पिता सर्वत्र पूज्योते नाम जग सर्वत्र सोते देव देवता सर्वरूपे नमस्ते सही, ये होना चाहिए इंसान को। क्या बात है करीमुल भाई, आपको, आपके काम को और आपकी इस सोच को हमारा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया बिग हीरोज में हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई पद्मश्री के लिए। और इसी के साथ आज बिग हीरोज में मुझे यानी रिचा अनुरोध को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज।